इस नेशनल पार्क में एंटर होने के बाद अंदर जो मूव करने के लिए आपके पास दो साधन है, या तो आप इस तरीके से जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरीके से कैंटर कर सकते हैं, या फिर जो स्मॉल जिप्सी होती हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल जो इनका बुकिंग है वो आप वन डे बिफोर योर अराइवल होता है, एक दिन जब आप जा रहे हैं उससे एक दिन पहले आप बुकिंग कर लें, और अलग अलग तरीके से दोनों ही कंफर्टेबल हैं अपने आप में और इस तरीके से मूव करते हैं। अभी तक तो कोई टाइगर दिख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ मंकीज दिख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे सारे कैंटर जितने भी इस जोन में थे सारे यहीं पे आ चुके हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, ये देखिए बेहतरीन। और T42 जैसा ये नाम बता रहे हैं इसका, इसका नाम क्या है सर? पता है इसका नाम है, और ये टाइगर है और मुश्किल से नजर आया, और मौका मिले जरूर देखें। जोन नंबर 6 में अमूमन ये पाया जाता है, और बेहतरीन ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। 42 टाइगर का नाम है और फाइनली हमें टाइगर देख लिया, और ये बड़ा खुशी का मौका है। और देखिए ये क्लोज आते हुए ये अटैक तो नहीं करेगा, ये दोस्तों। तो ये थी हमारी विजिट रणथंबोर नेशनल पार्क के लिए, और होपफुली अगर आपको इस पार्क में जाना है तो इसके जो सबसे क्लोजेस्ट शहर है वो है सवाई माधोपुर शहर, और ये जयपुर से 132 किलोमीटर है। तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट आपको पड़ेगा वो पड़ेगा सांगानेर एयरपोर्ट, सांगानेर एयरपोर्ट से क्लोज है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है सवाई माधोपुर जो स्टेशन से आपको नेशनल पार्क का जो डिस्टेंस है वो 16-17 किलोमीटर पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग साधन है, जिप्सी या कैंटर अलग अलग चीज़ों से आप जा सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ जो इस पार्क के लिए है वो ये है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क है इंडिया का, तो इसमें संभावना टाइगर देखने की ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि नियरली ये जो पूरा स्क्वायर फीट है इसका किलोमीटर एरिया जितने में फैला हुआ है 1300 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और उसमें से 400 किलोमीटर ओपन किया गया है नॉर्मल पीपल के लिए, विजिट कर सकते हैं आप, ठीक है। और इस पूरे नेशनल पार्क में जो 400 किलोमीटर है उसके 10 जोन डिवाइड किए गए हैं, और 10 जोन में हम लोगों ने जो विजिट किया था वो 6 जोन था। लकीली जो जोन होते हैं जिसमें टाइगर दिखने की संभावना ज़्यादा है वो होता है 1 और 3 जोन, क्योंकि वहाँ पे लेक वगैरह या पानी का एरिया थोड़ा ज़्यादा है तो टाइगर दिखने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, ठीक है। बाकी अगर आप विजिट करना चाहें तो आप ज़रूर विजिट करें, होप यू विल इन्जॉय। बिकॉज देखो एक चिड़ियाघर का एक टाइगर देखना और एक जंगल का टाइगर देखने में वाकई में आप फील करेंगे कि इसे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। बिकॉज जब आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओपन शेर जो है वो उसको देखने का एक अलग ही मज़ा है, ठीक है। तो होप यू विल इन्जॉय दिस वीडियो, आपने इन्जॉय किया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।